नमस्कार, मैं अनुश्री भारद्वाज सुरागिला न्यूज चैनल के काशीपुर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख खबरों पर। निगम ने सिंगल यूज प्लास्टिक एवं पॉलिथिन का प्रयोग करने पर किए 7 चालान। मुखबिर की सूचना पर गाडरी नदी पुल बेरिया दौलतखेड़ा से इनामी अभियुक्त गिरफ्तार। ऑपरेशन क्रैकडाउन के तहत पुलिस ने किया एक वारंटी को उसके घर से गिरफ्तार। कटोरता क्षेत्र के एक व्यक्ति को सट्टे की खायबाड़ी करते हुए किया गिरफ्तार। 9 गर्भवती महिला गिरी मोटरसाइकिल से, सीपीयू ने तत्काल पहुंचाया अस्पताल। सीपीयू ने की नाबालिग बच्चों के परिजनों से उन्हें वाहन न देने की अपील। उपजिलाधिकारी बोले छात्र संघ चुनाव होगा शांतिपूर्ण ढंग से। चंद्रावती तिवारी कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में भी बढ़ी छात्र संघ चुनाव की सरगर्मी। विवाह समारोह में शामिल होने गया परिवार, घर में हुई लाखों की चोरी। शादी का झांसा देकर युवती के साथ बनाए शारीरिक संबंध। अब खबरें विस्तार से। सिंगल यूज प्लास्टिक एवं पॉलिथिन के खिलाफ नगर निगम द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत पॉलिथिन का उपयोग करने पर 7 चालान कर 5,100 रुपए का जुर्माना वसूला गया। साथ ही गंदगी करने वाले 2 प्रतिष्ठान स्वामियों का चालान कर 600 रुपए का जुर्माना वसूला गया। काशीपुर के अपर पुलिस अधीक्षक कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा वांछित इनामी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत केलाखेड़ा पुलिस और बाजपुर क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में मुखबिर की सूचना पर इनामी अभियुक्त को गाडरी नदी पुल बेरिया दौलतखेड़ा से गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। देखिए, डीजीपी महोदय के निर्देश पर और हमारे वहाँ एसएसपी सर द्वारा प्रत्येक इनामियों को चिन्हित करके उनके पीछे एक एक टीमें निर्धारित की गई हैं। इसी क्रम में केलाखेड़ा में हमारा ये इनामी वांछित था, जो कि बलुआ और 307 के मुकदमे में लगभग सितंबर से लगातार फरार चल रहा था और जगह जगह अपने स्थान भी बदल रहा था। आपको याद होगा कि जमीन के एक विवाद में बहुत 2 पक्षों के बीच में बुरे तरीके से मारपीट हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति बहुत गंभीर रूप से घायल हुए थे, उसी का यह इनामी व्यक्ति था। कल इसको हमारी टीम ने पकड़ने में सफलता प्राप्त की। स्पेशली इसमें एसओ बाजपुर और सीओ बाजपुर की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। आज इसको हम माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर रहे हैं। सर, कितने इनामी बदमाश अभी और रह गए? अभी सेक्टर काशीपुर में अगर देखा जाए तो काशीपुर सेक्टर के जो हमारे 7 थाने हैं, इसमें हमें 6 इनामी और आ गए हैं, जिनकी हमारी टीमें लगी हुई हैं और हमें उम्मीद है कि हम इनको भी पकड़ने में सफलता प्राप्त। सर, लगातार जो है जसपुर से लेकर गदरपुर तक बात करें तो पुलिस जो है लगातार कुंडा थाना क्षेत्र में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ टीसी द्वारा चलाए गए ऑपरेशन क्रैकडाउन के तहत एक वारंटी को दबिश के दौरान उसके घर से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जा रहा है। काशीपुर कोतवाली के कटोरताल क्षेत्र में एक व्यक्ति को सट्टे की खायबाड़ी करते हुए गिरफ्तार किया गया। साथ ही उसके कब्जे से एक सट्टा पर्ची, कॉपी, पेन और 1950 रुपए नगद बरामद किए गए। कोतवाली काशीपुर क्षेत्र में काफी समय से शिकायतें थी कि यहां पर कुछ लोग सट्टे का काम कर रहे हैं, जिस पर कल हमने पुलिस टीम का गठन किया। कटोरताल क्षेत्र में हमारे सब इंस्पेक्टर एसआई धीरेन्द्र परिहार के नेतृत्व में टीम ने कल एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से सट्टे की खाईवाड़ी की पर्चियां और कुछ पैसे बरामद हुए हैं, जिसके विरुद्ध थाने में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। काशीपुर कोतवाली क्षेत्र में दड़ियाल रोड पर कुसुम वाटिका के पास एक मोटरसाइकिल पर सवार गर्भवती महिला अचानक मोटरसाइकिल से गिर गई। उसी समय दड़ियाल रोड पर गश्त के दौरान सीपीयू टीम द्वारा तत्काल महिला की सहायता कर निजी अस्पताल उपचार के लिए ले जाया गया। आपको बता दें कि 9 की गर्भवती महिला की सहायता करने पर सीपीयू टीम की काफी प्रशंसा की जा रही है। कल शाम के टाइम पे लगभग 3:15 बजे जो है हम लोग कुसुम वाटिका की तरफ से जा रहे थे, तभी हमने देखा दूर एक मोटरसाइकिल पे एक महिला अचानक मोटरसाइकिल गिर गई। हम लोगों ने पास जाके देखा तो वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी महिला, वो बता रही थी कि वो गर्भवती है। फिर हम लोगों ने तुरंत उसे अपनी गाड़ी में डाला और वहाँ से ग्लोबल हॉस्पिटल ले गए, जहाँ डॉक्टरों ने उसका उपचार करने के बाद बताया कि अब वो महिला ठीक है। जी, मैंने भैया उसमें कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लो पक लिए। अपनों को करीब लाए। ये क्या?
क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन। आप लोगों को करीब। काशीपुर के विभिन्न क्षेत्रों में सीपीयू टीम द्वारा लगातार चालानी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही सीपीयू प्रभारी जसवंत सिंह ने बताया कि जो भी व्यक्ति बिना हेलमेट, बिना डीएल, ट्रिपल राइडिंग और रेट्रो साइलेंसर पाया जाएगा उसका चालान कटेगा। और साथ ही सीपीयू प्रभारी जसवंत सिंह ने उनके माता पिता से भी अपील की है कि वे अपने नाबालिग बच्चों को वाहन ना दें। बाबूजी रोक लेंगे? हम लोग शहर में रेट्रो साइलेंसर वाले बाइकर्स हैं, उनको जो है सख्त कार्रवाई करते हैं, उनकी गाड़ियां सीज कर रहे हैं। और जो लोग मौके पे अगर कभी अपना ओरिजिनल साइलेंसर है तो उसका साइलेंसर निकाल करके पुराना जो उस पर लगा हुआ साइलेंसर जमा कर लेते हैं और उसका चालान काटते हैं, मौके पे तो उसको चेंज करवाते हैं और उसे हॉर्न वॉर्न भी करवा देते हैं ताकि शहर में जो है कोई भी रेट्रो साइलेंसर ना रहे। मैं जनता से ये अपील करना चाह रहा हूँ सीपीयू की ओर से, सभी से यह अनुरोध है कि कोई भी व्यक्ति रेट्रो साइलेंसर लगा के वाहन ना चलाए और अपने नाबालिग बच्चों को वाहन ना दे। और मोटरसाइकिल में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, इसलिए प्रयास करें कि हमेशा हेलमेट पहने और तीन सवारी कभी ना बैठें, ट्रिपल राइडिंग बिल्कुल ना करें, रैश ड्राइविंग ना करें और गाड़ियाँ जो है बिना लाइसेंस कोई बाइक ना चलाएं। छात्र संघ चुनाव को लेकर काशीपुर पुलिस पूरी तरह से एक्टिव है। आपको बता दें कि छात्र संघ चुनाव में किसी भी प्रकार का कोई हुड़दंग ना हो उसको लेकर एसपी काशीपुर अभय प्रताप सिंह ने कहा कि क्षेत्र में शांतिपूर्ण ढंग से छात्र संघ चुनाव कराए जाएंगे। छात्र संघ चुनाव पूरे प्रदेश में हो रहा है, इसी के साथ साथ हमारे काशीपुर भाजपुर इस क्षेत्र में भी हो रहा है। हमने लिंगदो कमेटी के अंतर्गत जो विश्वविद्यालय प्रशासन है और उनकी जो इंटरनल कमेटी है, एसडीएम साहब के साथ हमारे सीओ साहब ने भी मीटिंग कर ली है और छात्रों को उससे अवगत करा दिया गया है। यह बहुत बड़ा अवसर होता है छात्रों के लिए जो इसमें कहीं ना कहीं भागीदारी करते हैं, जो इसमें वोटिंग करते हैं, क्योंकि भारत के लोकतंत्र में जो अन्य पदों पे जो वोटिंग होती है उसमें कहीं ना कहीं जो वोटर 18 साल या 21 साल जो चुनाव में मिनिमम निर्धारण जो पार्टिसिपेंट होते हैं इसमें कोई एज का बैरियर नहीं होता है। तो पूरे उमंग और उत्साह से हर लेवल से बच्चे पार्ट वन से लेकर के लास्ट ईयर तक के इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो हमने बच्चों से भी यही कहा कि जो कैंपस का माहौल है उसको बहुत अच्छा रखें और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा करें, कोई ऐसा काम ना करें क्योंकि आपका जो फ्यूचर है वो अभी बहुत लंबा है और बनने वाला है, तो कोई ऐसा काम ना करें कि उससे आपका कहीं ना कहीं भविष्य प्रभावित हो। सर कितना पुलिस बल लगाया जाएगा? पुलिस बल हमारे द्वारा जो काशीपुर में हमारा लगभग अभी तक हमने बाई नेम जब 6 सब इंस्पेक्टर और लगभग 16 कांस्टेबल लगाए हैं, इसके अलावा हमने 1 प्लाटून की एसी भी लगाई है, इतना ही कार्यबल हमारे द्वारा भाजपा में लगाया गया, आवश्यकता अनुसार फिर हम इसमें फोर्स की बढ़ोतरी भी करेंगे। चंद्रावती तिवारी कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में भी छात्र संघ चुनाव की सरगर्मी बढ़ती दिखाई दे रही है। नामांकन पत्र भरने के बाद सभी छात्राओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। 12 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है और चुनाव प्रक्रिया के लिए हमारे प्राचार्य महोदय ने ऑब्जर्वर नियुक्त किए हैं तथा कक्ष निरीक्षक भी नियुक्त किए हैं और सर 4 कमरों में चुनाव प्रक्रिया संपन्न होगी। एक ही आया सर, एक पद पर एक ही नहीं सर, अध्यक्ष पद के लिए 2 आए हैं और उपाध्यक्ष पद के लिए 2 आए हैं और ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए सर 3 आए हैं और सर विश्वविद्यालय प्रतिनिधि के लिए 1 है, वाणिज्य प्रतिनिधि के लिए 1 है, कोषाध्यक्ष के लिए 1 है, एक एक ही नाम आए हैं। मेरा नाम ईशा है और मैं बीए 3rd ईयर की स्टूडेंट हूँ और मैं यहाँ पर अभी सचिव पोस्ट के लिए खड़ी हुई हूँ और मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर जितने भी जो स्टूडेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स टीचर से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर, तो वो लोग हमारे पास आएँ और हम लोग उनकी प्रॉब्लम्स को देखें और उनका सोल्यूशन निकालें। जो बच्चों के दिल में हेजिटेशन होती है टीचर्स से बोलने की उसको दूर करें और जो बच्चों में आपसी जो प्रॉब्लम्स होती हैं स्टूडेंट्स में जो क्लास वाइज जूनियर सीनियर में होती हैं उनको दूर करें और जो बच्चों की जिस भी टाइप की कल्चरल या स्कूल की फैसिलिटीज़ के अकॉर्डिंग जो भी प्रॉब्लम्स है उनका सुधार करने के लिए मुझे काम करना है। मेरा नाम अदीबा है, मैं बीकॉम सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ और मैं यहाँ उप सचिव की पोस्ट के लिए खड़ी हूँ और मैं यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं सर, जैसे बहुत लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं एक्टिविटीज़ में, तो मैं इसलिए सब लोगों को
उत्साहित करूंगी कि वो सभी मतलब प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करें और हमारे कॉलेज का नाम आगे बढ़ाएं और सारे कॉलेज में मतलब अनुशासन बनाने की कोशिश करें। कुंडा थाने के मंडी चौकी क्षेत्र में एक घर में संदिग्ध परिस्थितियों में चोरी हो गई। गृह स्वामी के अनुसार चोर लाखों के जेवरात समेत नकदी चोरी कर ले गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना कर तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। ग्राम सरवरखेड़ा निवासी परवेज आसिम ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि 20 दिसंबर की दोपहर 3 बजे वह सुल्तानपुर पट्टी में एक विवाह समारोह में शामिल होने गए थे कि अज्ञात चोरों ने घर में घुसकर कमरे की अलमारी के लॉकर से 2 तोले सोने का हार, आधे तोले का माथे का टीका, सोने के कुंडल, चांदी की पाजे व 20,000 रुपए चोरी कर लिए। इस दौरान परिवार की महिलाएं छत पर थीं। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी। थाना आईटीआई क्षेत्र निवासी एक युवती ने पुलिस को तहरीर में बताया कि वह पिछले 3 साल से एक युवक के साथ रिलेशनशिप में है। इस बीच युवक अपने घर पर शादी का झांसा देकर उसे रामनगर ले गया, जहां उसने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। विरोध करने पर आपत्तिजनक वीडियो होने की धमकी दी। इस पर युवती ने डीजीपी को शिकायती पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की, जिसके बाद डीजीपी के आदेशानुसार थाना आईटीआई पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। आज के लिए बस इतना ही। काशीपुर से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागिला न्यूज चैनल से। धन्यवाद।